सनी देओल सर जो कि 90s के ज़माने में बॉक्स ऑफिस को बहुत बुरी तरह से फाड़ती थी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बॉर्डर और गदर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड बनाए थे। बताना चाहूंगा दोस्तों, सनी देओल सर की फिल्म गदर ने जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाए थे, उसके चलते सनी देओल सर ने गदर 2 फिल्म बनाने का फैसला ले लिया। बताना चाहूंगा दोस्तों, गदर 2 फिल्म को रिलीज किया जाएगा इंडिपेंडेंस डे 2023 में, मतलब कि फिल्म को रिलीज होने में काम कम टाइम बचा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, गदर 2 फिल्म की टीम ने फिल्म का फर्स्ट हाफ पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि फिल्म में दो हाफ होते हैं, एक इंटरवल से पहले एक इंटरवल के बाद। तो गदर 2 फिल्म की टीम ने इंटरवल से पहले वाले पार्ट को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब इस फिल्म की टीम इंटरवल के बाद वाले पार्ट पर काम कर रही है। इसके अलावा इस फिल्म की टीम ने फिल्म से 2 मिनट का टीजर तैयार किया है, जो कि बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, गदर 2 फिल्म की टीम ने फिल्म का 2 मिनट का धमाकेदार टीजर तैयार किया है और वो टीजर बहुत ही जल्द रिलीज होगा। और गदर 2 फिल्म का टीजर ही बता देगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितने रिकॉर्ड बनाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि गदर 2 फिल्म के टीजर में पूरा एक्शन पता चलेगा कि गदर 2 फिल्म में कितना एक्शन है। वैसे दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म गदर से बहुत ज्यादा हाई लेवल पर बनेगी। जिस तरह से फिल्म की टीम फिल्म का प्रमोशन कर रही है, उसके चलते तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये फिल्म अपनी पहले ही दिन बहुत सारे रिकॉर्ड बनाएगी। वैसे दोस्तों, इस फिल्म के साथ में कई सारी फिल्में रिलीज हो रही है, लेकिन वो सभी फिल्में इसके सामने पानी मांगेंगी। हालांकि दोस्तों, आप लोग कमेंट कर बताना आप लोग गदर फिल्म के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। आप लोग अपनी राय कमेंट कर जरूर बताना।